हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूं वो मार्क्सन्स फार्मा शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक बाय नाउ। पिछले दिनों हमने देखा मार्क्सन्स फार्मा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स दिए। इन स्पाइट ऑफ क्वार्टर टू नंबर्स डिसेंट इनफ, यहाँ पे नंबर्स कह सकते हैं ज्यादा वर्स्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट स्टॉक्स में रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है। स्टॉक काफी दिनों से नीचे की तरफ ही डाउनफॉल हो रहा है स्टॉक में। ओवरऑल अगर देखिए तो मार्क्सन्स फार्मा, इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली मैंने कहा था मार्क्सन्स फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो फार्मा सेक्टर में कह सकते हैं आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न देगा, स्पेसिफिकली अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेट लेवल्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो शायद शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्ट कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मेन फोकस इस स्टॉक के लिए आपका होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन हूं सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स एक आपके द्वारा हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तब जाके एक्जैक्टली आपको इस वीडियो का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी प्रॉफिटेबल हो सके। वीडियो का एक और भी ले लेते हैं। इन दिस वीडियो वी विल सी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड, वी विल सी द रिजल्ट्स ऑफ क्वार्टर टू, वी विल सी द चार्ट पैटर्न ऑफ द स्टॉक, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक का, और साथ ही में प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा भी देखेंगे। Q&A सेशन का आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा। इस संडे 21 नवंबर को फिर से हम एक बार YouTube लाइव में जुड़ेंगे दोपहर को 3 बजे, जहां पे एक्जैक्टली 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में जितना हो सके सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करके रख दीजिए। एडवाइजरी स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा, दो तरीके के मॉडल्स है, 30 डेज 90 डेज। दोनों ही मॉडल्स में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, साथ ही में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप कैश इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो एज पर ट्रेडिंग लिमिट अपने पोजीशंस को क्रिएट कीजिए, और अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखें। जितना आप एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखेंगे उतना रिजल्ट कंसिस्टेंट होगा। साथ ही में रिजल्ट्स की बात करें, मार्क्सन्स फार्मा कंसोलिडेटेड सितंबर 2021 नेट सेल्स एट 361.20 करोड़, अप 1.33% ईयर ऑन ईयर। सेल्स इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट में डिप है। यहाँ पे नेट सेल्स ऑफ एट रुपीज 361.20 करोड़ इन सितंबर 2021, अप 1.33% फ्रॉम 356.47 करोड़ इन सितंबर 2020। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एट 46.29 करोड़ इन सितंबर 2021, डाउन 8.76% फ्रॉम 50.73 करोड़ इन सितंबर 2020। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कह सकते हैं सेल्स इंप्रूव हुआ है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिप है। और साथ ही में अगर हम कहें तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्क्सन्स फार्मा का जो फ्यूचर इम्प्लीकेशन है फंडामेंटल वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ कह सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर इम्प्लीकेशन स्ट्रांग है, फ्यूचर कह सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग है, डेप फ्री कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ड्यू टू रिजल्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट हमें कुछ दिनों से स्टॉक में दिख रहा है। जैसे सितंबर 2020 का रेवेन्यू देखिए तो 360 करोड़ के आसपास था, इस बार रेवेन्यू आया है 369, ये कंसोलिडेटेड फिगर्स आपके सामने दिख रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की तो पिछले साल सितंबर में 65 था, इस बार है 59.8 करोड़, और पिछले साल नेट प्रॉफिट था 50.7 करोड़, इस बार नेट प्रॉफिट आया है 46.3। तो क्योंकि नेट टोटल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिप है और रेवेन्यू इतना खास एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हुआ है, उस वजह से यहाँ पे ऑपरेटर्स या कह सकते ट्रेडर्स यहाँ पे इस समय शॉर्ट सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। रिटर्न्स परसेंटेज अगर हम देखें तो एक साल में 17% का रिटर्न है, 3 साल में 74%, 5 साल में 22%, 10 साल से किसी ने स्टॉक को होल्ड किया है तो उसको 2580% मिला है, लेकिन अगर 6 महीने की बात करें तो -23%, 3 महीने में -26%, 1 महीने में 17% और 1 हफ्ते में 14% का करेक्शन हो चुका है। तो ओवरऑल अगर देखें तो टेक्निकली यहाँ पे बाउंस बैक क्लियर कट बन रहा है, क्योंकि RSI 30 के आसपास 30 के नीचे आ चुका है। RSI है 26.6 और MFI है 27.9 25.6, तो RSI MFI दोनों ही ओवरसोल्ड के नीचे आ चुके हैं, यानी कभी भी ना कह सकते हैं कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हम देख सकते हैं। 30 डेज एमए 67.9, 50 डेज एमए 69, तो मेजर जो रेजिस्टेंस इस समय दिख रहा है वो है 75 का। 75 का रेजिस्टेंस ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तो फिर ये 90 और 100 के बीच में स्टॉक आराम से जाते हुए दिखेगा। अक्टूबर मंथ की बात करें तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने कोई बाय नहीं किया है, किसी ने सेल नहीं किया है। प्रीवियस जो
कह सकते हैं सितंबर मंथ का होल्डिंग था वही कंटिन्यू है, विच इज 13,93,000 शेयर्स। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए तो एक हफ्ते का 16 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जिसमें से 9 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी है। ओवरऑल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 50% के अभाव यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। एक महीने का हाईएस्ट पॉइंट था 70, वहां से स्टॉक इस समय 56 के आसपास है। 3 महीने का चार्ट पैटर्न है करीबन 77, लोएस्ट पॉइंट है 56 के आसपास। और रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स बहुत ही बढ़िया है, रिजर्व्स ग्रोइंग मोड में इनफैक्ट है। 2017 की बात करें तो रिजर्व थे 378 करोड़, इस बार मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पे 560 करोड़ के आसपास है। लॉन्ग टर्म डेप देखें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेप बिल्कुल ही जीरो है। कंपनी पे पूरे 5 साल में कभी भी कोई लॉन्ग टर्म कर्जा नहीं, यानी कंपनी टोटली अपने पैसे से काम कर रही है। साथ ही में शॉर्ट टर्म डेट देखें तो वो भी 2020 और 2021 में बिल्कुल भी जीरो है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है मार्क्सन फार्मा के लिए। और कैश इक्विवेलेंट्स भी देखें तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। 2020 तक देखें तो सिर्फ 3.35 था, इस बार है 105.71, तो कैश इक्विवेलेंट भी काफी है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 48% है, प्रमोटर्स ने एक भी शेयर्स गिर भी नहीं रखे हैं। एफआईआर ने 2.64% है और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो अगेन 48.58%। तो ओवरऑल मार्क्सन्स फार्मा में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों का सवाल है, थोड़ा राउंडफॉल या कंसोलिडेशन स्टॉक में रहेगा, लेकिन फ्यूचर बहुत ही आउटलुक इसका जो स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे स्टॉक का जो आउटलुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी पॉजिटिव है। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।